रमजान का महीना पूरा होने के मौके पर आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को ईद का चांद देखने के बाद ईद मनाने का ऐलान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाइयां लोगों को दी। शुक्रवार को ईद के चांद के दीदार के बाद आज पूरे देश में धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं ईद के मद्देनजर पुलिस ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संभल में डीएम और एसपी ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए एसपी अतुल सक्सेना की अगुवाई में 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, 1056 कांस्टेबल, 206 हेड कांस्टेबल, 110 दारोगा, 9 इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है। साथ ही जिले में एक स्ट्राइकिंग टीम भी बनाई गई है। सूबे में अखिलेश सरकार की पूंजी निवेश नीति 2012 से लगातार नए कदम की ओर बढ़ रही है। आज करीब 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश से शुरू हुए 9 मेगा प्रोजेक्ट के निवेशकों को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने हाथों से लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान किया। मेगा प्रोजेक्ट में करीब 21,000 लोगों को रोजगार मिलने का आंकलन है। सीएम अखिलेश यादव ने इस मौके पर पूंजी निवेशकों को एक बार फिर भरोसा दिया कि समाजवादी सरकार आने वाले दिनों में भी हर संभव सहयोग देती रहेगी। वहीं सीएम ने मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा, मेक इन इंडिया की बात करने वालों को समझना होगा कि बगैर मेक इन यूपी के मेक इन इंडिया संभव नहीं हो सकता। वहीं विरोधियों पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि सरकार के बेहतर कामों में विरोधियों दलों को अच्छाई कम, खामियां ही नजर आती हैं। सीएम अखिलेश ने लिया बड़ा फैसला, दलितों की जमीन को लेकर सीएम ने बड़ा फैसला लिया है और अब दलित भी सामान्य की तरह अपनी जमीन को बेच सकेंगे, जिसका खुलासा समाचार प्रेस ने 3 जुलाई को ही कर दिया था। दलितों की जमीन के मामले में सीएम ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 2 जुलाई को ही सीएम को रिपोर्ट सौंप दी थी और अब प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद ही कमेटी बनाई गई थी। एडीजे राजबहादुर समिति की सिफारिशों पर भी मोहर लग गई है, जिसके तहत पुराने प्रावधानों को खत्म करने की सिफारिश की गई थी। मॉनसून सत्र में विधेयक को सदन में पेश करेगी सरकार। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने वीवीआईपी कल्चर को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सांसद कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है। योगी ने कहा कि सांसदों और उद्योगपतियों को किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के किसानों को राहत देते हुए अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा के सीईओ और प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को 1 महीने में किसान की 589 हेक्टेयर जमीन वापस करने का आदेश दिया है, जिसके साथ ही कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 1 महीने कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों ने आदेश नहीं माना तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 2008 से पहले ग्रेटर नोएडा के पतवाड़ी गांव के किसानों की 589 हेक्टेयर जमीन अथॉरिटी ने अर्जेंसी क्लास के तहत औद्योगिक विकास के नाम पर अधिग्रहित कर बिल्डरों को जमीन दे दी गई थी। अमेठी में एक और प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगने वाला है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार जगदीशपुर पेपर मिल को शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है और इसे अमेठी से शिफ्ट करके महाराष्ट्र भेजा जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो अमेठी से निकल जाएगा। इससे पहले फूड पार्क प्रोजेक्ट भी अमेठी से निकल चुका है। जिस समाज में स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और शिक्षकों को माता पिता के तुल्य दर्जा दिया जाता है, वहीं शिक्षक का ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया जो किसी को भी खौफ जदा कर दे। मामला अमेठी का है, जहां स्कूल के प्रबंधक ने छात्रों को देरी से आने की वो सजा दी, जिसे देखकर वहां खड़े सभी छात्र सन्न रह गए। दरअसल प्रबंधक ने छात्रों की जमकर डंडे से पिटाई कर दी। यही नहीं, छात्रों की तब तक पिटाई की गई जब तक डंडा टूट नहीं गया। उन्होंने दोबारा डंडे की मांग की लेकिन पिटाई नहीं रुकी। 10वीं कक्षा के इन छात्रों के शरीर पर डंडों के निशान तक छप गए। यूपी में अपराधी पूरी तरह बेखौफ हैं। यहां ना आम आदमी सुरक्षित है ना ही वर्दीधारी। ताजा मामला फिरोजाबाद के थाना सरसागंज गांव का है, जहां अवैध शराब मिलने की सूचना पर पहुंचे आबकारी विभाग पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान बेखौफ शराब माफियाओं ने आबकारी इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मियों को जमकर पीट दिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम आबकारी इंस्पेक्टर राजेंद्र चौधरी अपने 3 पुलिसकर्मियों के साथ सूचना के बाद छापेमारी करने गए थे। इस दौरान शराब माफिया दिनेश सिंह अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंच गया और आबकारी इंस्पेक्टर पर हमला बोल दिया। फिलहाल हमले के बाद पहुंची पुलिस टीम ने घायल आबकारी इंस्पेक्टर को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपियों की तलाश तेज कर दी।
जौनपुर में जमीन का विवाद सुलझाने गए दो सिपाही को लेकर लोगों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मामला थाना लाइन बाजार के मियांपुर का है, जहां दो पक्षों में लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। इसी मामले को लेकर गांव में पहुंचे पुलिसकर्मियों के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और उसकी वर्दी फाड़ दी। बताया जा रहा है कि एक पक्ष की शिकायत पर पहुंचे सिपाहियों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर दी और घर वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों ने सिपाहियों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायल सिपाहियों को अस्पताल भेज दिया है, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इटावा के भरतना कस्बे में एक मासूम का अपहरण कर हत्या का मामला सामने आया है। 9 साल की मासूम अपने परिजनों के साथ नानी के घर आई थी। रात को जब घर वाले घर नींद में सोए थे, तब किसी ने मासूम को अगवा कर लिया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। सुबह परिजनों ने जब बच्ची को घर नहीं पाया तो उसे ढूंढने पर सुनसान इलाके में बच्ची की लाश पड़ी मिली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। यूपी के जेलों में कैदियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। ताजा मामला भदोही के जिला कारागार का है, जहां हत्या के आरोप में 2009 से बंद विजय गुप्ता नाम के कैदी ने देर रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद आक्रोशित साथी कैदियों ने जेल में हंगामा किया और शव को देने से मना कर दिया। रात 3 बजे जेल में आकर डीएम एसपी सहित कई अधिकारी कैदियों को मनाने में जुटे रहे। मृतक के पिता के आने के बाद कैदियों ने शव को सौंप दिया। मृतक के पिता का आरोप है कि जेल प्रशासन द्वारा उसके बेटे को कई बार पीटा गया। वहीं डीएम ने पोस्टमार्टम के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। आगरा में जल निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल जिन जगहों पर पानी की परेशानी है, उन जगहों पर टीटीएसपी योजना के तहत लगाए गए पानी के टैंक में 32 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। टीटीएसपी योजना में 5174 टैंक लगाए गए, जिसमें से करीब 2500 टैंक ने काम ही नहीं किया, जबकि ठेकेदार को इनका पेमेंट कर दिया गया। डीएम की जांच में इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। हालांकि विभाग के मिलीभगत के चलते जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी सरकार प्रदेश के शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए लाख जतन कर ले, लेकिन बच्चों के भविष्य उज्जवल करने वाले शिक्षा विभाग और शिक्षा माफिया गठजोड़ उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। प्रदेश में परीक्षा के दौरान नकल की शिकायतें तो आती रहती हैं, लेकिन हरदोई में बिना परीक्षा दिए ही सैकड़ों बच्चों के पास होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फरुखाबाद में कमालगंज ब्लॉक के कस्तूरबा विद्यालय में वार्डन ने बच्चों पर जुर्म ज्यादती की नई इबारत लिख दी है। जिन वार्डन पर बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है, वो बच्चों को छुआछूत के दलदल में धकेल रही है। यही नहीं, वार्डन ना तो बच्चों को भरपेट खाना दे रही है और ना बीमार होने पर उनके इलाज का इंतजाम कर रही है। कई अभिभावक अपने बच्चों को वापस ले जाने का फैसला कर चुके हैं। कई दिन से चल रहे विवाद के बाद स्कूल पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बिगड़ती व्यवस्था पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया, लेकिन वार्डन की बदजुबानी के आगे स्कूल के समस्त स्टाफ ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कानपुर के हेलेट अस्पताल की अमानवीय करतूत सामने आई है। डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती महिला को सिर्फ इसलिए बाहर निकालकर गंगा बैराज में फेंकवा दिया, क्योंकि महिला के साथ कोई तीमारदार नहीं था। पीड़ित दर्द से कराती रही, लेकिन डॉक्टरों को उस पर तरस नहीं आया। मामला संज्ञान में आने के बाद सीएमओ ने 3 जूनियर डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि 5 जुलाई को एक महिला का ट्रेन की चपेट में आने से पैर कट गया था। घायल महिला को जीआरपी पुलिस ने हेलेट अस्पताल में भर्ती कराया था। आगरा के एतमादपुर तहसील के एसडीएम जेपी सिंह की दबंगई का मामला सामने आया है। नरिंग रोड के निर्माण में लगी एचआर इंफोटेक के गार्ड शिव प्रसाद पर उस समय अपनी ड्यूटी निभाना भारी पड़ गया, जब एतमादपुर तहसील के एसडीएम से मिलने आए एक प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ी के लिए गेट खोलने से मना कर दिया, जिससे लेकर गार्ड और प्रॉपर्टी डीलर के बीच कासुनी हुई। प्रॉपर्टी डीलर ने एसडीएम जेपी सिंह से शिकायत की तो एसडीएम ने कमरे में बंद कर गार्ड के साथ मारपीट की, साथ ही अश्लील भाषा का भी इस्तेमाल किया। मामले के बाद गार्ड ने कंपनी के जीएम के अनुसार अनुरोध पर कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। पंचायत चुनाव को देखते हुए अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब छापेमारी के दौरान असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। कानपुर के नवाबगंज थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी पुलिस की भनक पाकर मौके से फरार हो गए। पकड़े गए शख्स से पूछताछ कर पुलिस गैंग के खुलासे में जुटी है। पुलिस ने असलाह फैक्ट्री से काफी मात्रा में बने और अधबने असलहे बरामद किए।
बागपत के छपरौली थाना इलाके के शेरपुरा गांव में एक दिन पहले लापता हुए दो भाइयों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बेखौफ बदमाशों ने दोनों का सिर काटकर बदरखा गांव के पास यमुना नदी में फेंक दिया। वहीं घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बदरखा गांव के पास नदी में तैरते हुए मिले दोनों शवों पर गोली के निशान और दोनों के शवों के सिर कटे हुए हैं। परिजनों के मुताबिक दोनों बीती 15 जुलाई से गायब थे, जिसके बाद उनकी ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हरदोई में तालाब में नहाने गए तीन बच्चों में से दो की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालात में बालामऊ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामला कोतवाली कचौना के कटियामऊ गांव का है। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में नगर पालिका परिषद में नियमों को ताक पर रखकर दो और चपरासियों को बाबू बना दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों को नगर पालिका अध्यक्ष के आदेश पर बाबू बनाया गया है। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन जगत जायसवाल के अर्दली को जहां प्रभारी लिपिक बनाया गया, तो वहीं जलकल चपरासी राधेश्याम को भी लिपिक के पद पर तैनात किया गया है। वहीं रीखी चंद गुप्ता को राजस्व लिपिक बना दिया गया है। कन्नौज जिले के सौरिक थाना इलाके में युवक की लूट के बाद हत्या कर दी गई। मैनपुरी निवासी मृतक धर्मेंद्र अपने दो साथी सुरेंद्र और देव सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर मकान बनवाने के लिए ईंट भट्टे पर ईंट लेने गया था। उस वक्त मृतक के पास 1.5 लाख रुपए की रकम थी, जिस पर नियत खराब होने पर उसके ही साथियों ने उससे लूट लिया और फिर उसकी हत्या कर शव को एक पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। झांसी के नवाबाबाद थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के पास बदमाशों ने एक मोबाइल शॉप की दुकान का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए के अधिक से मोबाइल चुरा लिए। सुबह के समय दुकान के पास से गुजर रहे दुकान मालिक के दोस्त ने जब शटर टूटा देखा तो फोन कर पूरे मामले की दुकान मालिक को जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने दुकान के भीतर का नजारा देखा तो बदमाश दुकान के भीतर रखे सभी महंगे एंड्रॉयड मोबाइल फोन उठा कर ले गए थे। मोबाइल फोनों की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। शाहजहांपुर में भूकंप के खतरे से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को और स्कूली बच्चों को भूकंप से बचने के तरीकों के बारे में बताया जा रहा है। एक्सपर्ट की माने तो खास तरीकों से त्रासदी में लोगों को बचाया जा सकता है और नुकसान को भी कम किया जा सकता है, जिसके लिए इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। नोएडा में शुक्रवार को पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। नोएडा स्वच्छ नोएडा का सपना साकार करने के लिए पौधारोपण किया गया। शाहदरा ट्रेन के किनारे सेक्टर 16 फिल्म सिटी के साथ वायु प्रदूषण प्रतिरोधी पौधों के रोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद थे। इस मॉनसून को एंजॉय करने के लिए आपके पास एक सुनहरा मौका है। समाचार प्रेस और नोएडा अथॉरिटी द्वारा नोएडा के ग्रेट इंडिया प्लेस पर आयोजित होने वाला राहगीर नोएडा एक बार की तरह हर बार की तरह इस बार रविवार को भी आयोजित किया जाएगा, जहां आपकी सेहत और मस्ती का पूरा ख्याल रखा जाएगा। राहगीरी नोएडा ट्रस्ट आपके मनोरंजन के लिए हर बार की तरह इस बार भी तरह तरह की एक्टिविटीज को आयोजित कराएगा, जिनमें योगा, साइकिलिंग, जुम्बा, एरोबिक्स, लाइव म्यूजिक, डांस, फिटनेस सेंटर, ओपन जिम, नुक्कड़ नाटक, आर्ट एंड पेंटिंग और कई स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा।